नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर फरुखाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फरुखाबाद से बताई जा रही है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2022 करीब आते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी अपनी जमीनी राजनीति मजबूत करने में जुटी हुई है। आज फरुखाबाद पहुँचे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई। फरुखाबाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय कटियार के गेस्ट हाउस में पूर्व कांग्रेसी मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक की और पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। फरुखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। इसका क्या मतलब बता तो रहा हूँ, ये सब चीजें वो चीजें हैं जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के प्रयास सरकार करती है। सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट में विश्वास रखती है। आपने इनसे पहले भी देखा था, तमाम उद्योगपतियों का जमावड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ था और कहा गया था कि 1 करोड़ 1 लाख करोड़ का यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती पे इन्वेस्टमेंट होगा, नौकरियां होंगी। वो कहाँ है, कितना रुपया यहाँ आया, किन लोगों को नौकरियां मिली और कहाँ उद्योग लगे, ये बताएं। सर, किसानों से वार्ता विफल हो रही, क्या कारण है? बयान में यही रहेगा कि व्यापक जनसंपर्क होगा और जैसे मैंने बताया, किसानों की समस्या है, नौजवानों की है, उन लोगों की है जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। चंद सत्ताधारी लोग सब सुविधाएं ले गए हैं, तो पूरा प्रयास किया जाएगा। और क्यों नहीं बना रही, जान नहीं रहे लोग, इतनी महंगाई हो रही, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, धान खरीद नहीं हो रही, सेंटर सत्ताधारियों के पास है, गिरना चाहिए।